शुरू। हाँ तो बच्चों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके बीच विषय कृषि गणित कक्षा 11 प्रश्नावली 2.1 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें आपसे ज़्यादातर प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि लघुगणक के रूप में लिखिए, और अगर लघुगणक में दिया हो तो उसे घातांक के रूप में रखिए। तो अगर आपको किसी जगह पर ए की पावर एम बराबर बी मिलता है, किस रूप में मिलता है, ए की पावर एम बराबर बी, तो इसका जब हम लघुगणक लेते हैं तो लॉग ए की पावर बी बराबर एम हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग ए की पावर बी या लॉग बी बेस ए बराबर एम हो जाता है। अब इसी क्रम को अगर हम लौट के इस जगह पर जाना चाहते हैं, किस जगह पर, इस जगह पर जाना चाहते हैं, तो फिर हम इसके लिए एक ट्रिक दे देते हैं इस जगह पे कि जब ये लोग ना रहे, क्या कि जब ये लोग ना रहे तो इसको हम एक क्षण के लिए इसकी लुगाई मान लेते हैं, तो ये लुगाई कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ये लोग ना रहेगी तो ये इस जगह पर रह जाएगी बी, और ये लुगाई जो इसकी है ये कहाँ के लिए चली जाएगी, अपने मायके के लिए चली जाएगी। तो ए की पावर एम में बन जाता है, ए की पावर एम बराबर बी, पुनः लौट के वही संबंध मिल गया। तो इसके लिए क्या है, तो इस जगह पर एक सिस्टम होता है, तो एम को आधार ए पर, आधार ए पर बी का लघुगणक कहते हैं, बी का लघु गुणक कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एम को आधार ए पर बी का लघुगणक कहते हैं। अब इसी क्रम में अगर देखें कि ए की पावर एम बराबर बी का, बी का और लॉग ए की पावर बी बराबर एम का अर्थ समान है, दोनों बात एक ही हैं। क्या है ये, दोनों बात एक ही को व्यक्त करते हैं, इस जगह से चाहते हैं का को हटा दें। अब इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके बाद सेकंड पॉइंट को जब हम लेते हैं तो लॉग ए की पावर बी बराबर एम का अर्थ है कि आधार ए पर, कि आधार ए पर बी का लघुगुणक, ठीक है ना, आधार बी का लॉग बी का लघुगुणक, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम लेते हैं, थर्ड पॉइंट में हम लिख देते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का लघुगुणक परिभाषित नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का लघु गुणक परिभाषित नहीं, ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी उसका हम लघुगुणक ज्ञात नहीं कर सकते या परिभाषित नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रत्येक धनात्मक संख्या का लघुगुणक अद्वितीय होता है, लघुगुणक अद्वितीय होता है, इस जगह पर अति। ये चार इसकी लगभग प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को लघुगुणक के रूप में व्यक्त कीजिए, और ये लिखा हुआ है कि 4 की पावर 3 = 64। अब ये हम मान लेते हैं कि ये एक क्षण के लिए, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए की पावर एम बराबर बी है, और इसके लिए अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ही लघुगुणक हमने इधर लिया था तो ये बी इधर आ गई थी और ये एम यहाँ चली गई थी, बस वही सिस्टम इसमें लगा दो। तो इस जगह पे लॉग 4 की पावर 64 = ये एम किस जगह पे पहुँच जाएगी थी, सवाल हो गया। सेकंड पार्ट है इसका,
सेकंड दिया है 4^-3 = 1/64। लॉग ले लो, लॉग 4^, अब बी का मान हमारा इतना है 1/64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही दो पार्ट दिए हुए थे जो इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में भी यही कहना है कि प्रत्येक का लघुगणक ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ है कि 5^4 = 625। अब हम देख रहे हैं ए का मान ये है, बी का मान ये है, सॉरी एम का मान ये है और बी का मान ये है। लघुगणक जैसे इस जगह पर लगाते हैं तो 5^625 = m हट के इस जगह पर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड सेकंड पार्ट इसका जो है वो लिखा हुआ है 5^-2 = 1/25। लॉग ले लेते हैं, लॉग 5^1/25 = हमें कितना प्राप्त होगा 2। अब इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि 3 पार्ट है, तीसरा सवाल है हमारा। तीसरे सवाल में भी इन्होंने यही कहा है कि लघुगणक के रूप में ज्ञात कीजिए। ये दिया है आपको 10^3 = 1000। तो हम मान लेते हैं ए का मान ये है, एम की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये है। लॉग लगाते हैं, लॉग की लगाते ही ये 1000 हैं इस जगह पर आ जाएंगे और एम हट के यहाँ से ये पहुँच जाएगी। ये इसका फर्स्ट सवाल था। सेकेंड सवाल तीसरे का देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 10^-1 = 0.1। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू ये है, एम की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये रही। तो यहाँ पर लॉग लगाते हैं तो लॉग 10^0.1 = -1। देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक के रूप में ये देखिए, ये दिया है लॉग 6^36 = 2। हमने आपसे इस जगह पे एक ट्रिक बताई थी कि जब ये लॉग ना रहे, जब लॉग ना रहे तो लोगाई कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लोग से तात्पर्य हमारा ये नहीं, ये तो एक ट्रिक के लिए लिया गया है, मत इसे सीरियसली लें। अब ये लोग है, लोग जब जैसे यहाँ से हटेगी तो ये लोगाई सीधी सीधी इधर चली जाएगी। तो इसे देखो क्या करते हैं, लोग 6^36 = 2। यहाँ से ये लोग जैसे ही हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6^2 = 36। ये सवाल नंबर फर्स्ट पार्ट हुआ चौथे का। इस जगह पर सेकेंड पार्ट देखते हैं तो ये लिखा हुआ है लॉग 2^64 = 6। कितना दिया हुआ है, तो इस लॉग को हटाओ यहाँ से, 2 की जगह पर ये लगाई यहाँ से हटके कहाँ चली जाएगी इस जगह पर, तो 2^6 = 64। ये सवाल नंबर सेकंड इस पार्ट का। अब पांचवा सवाल जो देखते हैं, इसमें भी यही कथन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में रखिए। तो इस जगह पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लॉग 5^125 = -3। यहाँ से इस लॉग को हटाएंगे तो 5^ ये माइनस इधर जगह पे आ जाएगी घात, बराबर 1/125। इसी का देखो सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल में इसमें लिखा हुआ है लॉग 10^0.001। कितना है 0.001 = -3 है। तो अब इस जैसे ही लॉग को हटाएंगे यहाँ से तो 10^-3 = 0.001। ये इस सवाल का जो आंसर बनेगा। देखते हैं सवाल नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी यही मांगा गया है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ से बस लॉग को हटाइए तो लॉग जैसे ही ये कटेगा, ये वाली ये लगाई है इस जगह पर चली जाएगी, तो 6^-4 = 1/1296 1296 हो जाएगा, जो इस सवाल का क्या बनेगा आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है लॉग 7^343 = 3। कितना 3। तो यहाँ से ही जैसे ये लॉग जाएगा, ये हटके लगाई कहाँ चली जाएगी इस जगह पे चली जाएगी, तो 7^343 = 343। इसके बाद सवाल नंबर 7 को भी इसी में चेक कर लेते हैं। 7 का फर्स्ट सवाल है लॉग 2 की पावर
टू नहीं है, रूट टू है, रूट टू की पावर रूट एट बराबर ये थ्री दिया हुआ है। इस लॉग को यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ से हट के इस जगह पे जाएगी, तो रूट टू की पावर थ्री इक्वल टू रूट एट। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, सेकंड सातवें सवाल का, तो इसमें हमने देखा कि देखिए इस जगह पे रूट तीन की पावर रूट 27 बराबर थ्री है, तो यहाँ से इस लॉग को हटा दो तो ये कहाँ चली जाएगी, ये भाई इस जगह पे चली जाएगी, तो रूट थ्री की पावर थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, जो इस सवाल का आंसर होगा। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। Go!